Hello everyone and welcome to Adda 24/7. Can you listen to me and can you see the screen? आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपको स्क्रीन बिल्कुल साफ दिख रहा है, आपको PPT दिख रही है, इज एवरीथिंग फाइन? हाँ भाई, मैं देख पा रहा हूँ कि रूही आ गई हैं, शोभा, सुमित, नितिक अलोट, एकता राजपूत, फरीद, बत्तू सेल्स, अनुज, सौरभ गुप्ता, ठीक है, वेलकम टू द सेशन अनन्या पांडे, वेलकम टू द सेशन पूजा यादव, राजपूत, वर्षा राजपूत, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। तैयार हो भाई सारे के सारे? आज के सेशन में मैं तुम्हें फटाफट बताता हूँ कि मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, ठीक है? चलो देखो, मैं बताता हूँ क्या क्या कराने वाला हूँ। वैभव सोनी भी आ गया, अच्छी बात है भाई। एक बार शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या कराने वाला हूँ मैं आपको। करा रहा हूँ क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में आपको पता है क्या चल रहा है? रिवीजन। और हम अब तक दो टॉपिक रिवाइज कर चुके हैं, जिसमें से पहला टॉपिक जो हमने रिवाइज किया था वो कौन सा था हमारा? 8 यूनिवर्सल रूल। दूसरा टॉपिक जो हमने कल रिवाइज किया था वो था हमारा नाउंस, नो सॉरी, आज जो कल जो टॉपिक किया था हमने रिवाइज वो था टेंसेस, और आज जो हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है नाउंस। सिर्फ एक दिन का रिवीजन है, इसमें मैं सारे मेन पॉइंट्स जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पेरेटिव एग्जाम में, मैं उसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। और आज भी नाउंस में भी मैं वही क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम, ठीक है? तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिसको इसे डिटेल में देखनी है तो जो हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है, जो मेरा क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स की वीडियोस देख लो नाउंस वाली, मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन चार चार बार पूछा है, उसमें तुम्हें एकदम बिल्कुल पक्का रट जाएंगे, ठीक है? रूल्स और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से पढ़ाया गया है। चलो अब हम फटाफट सेशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चा, ठीक है? विशाल सैनी भी आ गए, गुड्डू भी आ गए हैं यहाँ पे, हाँ उत्कर्ष भी आ गया। हाँ 3.0 कौन सा वाला बोल रहे हो? 3.0 अभी बता दूंगा, अभी मेरे ख्याल में तुम 9 नवंबर वाले बैच की बात कर रहे हो, प्रैक्टिस बैच 9 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो हाँ अच्छा, आज के सेशन में जो मैं अनाउंस कराऊंगा वो तुम्हारे SSC के सारे एग्जाम कवर करेंगे। कहने का मतलब है जो तुम्हारे सर पे है स्टेनो वाला एग्जाम वो पूरा कवर हो जाएगा, इसी के साथ तुम्हारा SSC CGL कवर होगा और SSC CPU भी कवर हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे प्यार में, जल्दी से आंसर बताओ मेरा बच्चा, बहुत तेज। ओहो आज बहुत माल है देख रहे हो। हाँ तो ये रहा पहला क्वेश्चन। 3 से 4 मेरी क्लास का टाइम है, जितना बच्चा जुड़ा है मैं बता दूँ उसके प्यार में कि क्लास का टाइम क्या है मेरा बच्चा, 3 से 4 के बीच में तुम्हें आना है, ठीक है? क्लास में बहुत माल मिलेगा तुम्हें, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्लास का टाइम 3 से 4 है। अभी जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे बीच में बार बार ना कहना पड़े, है ना? जितना बच्चा देख रहा है अभी मैं देख रहा हूँ लगभग 100 बच्चे के आसपास लाइव है, तो ये 100 के 100 बच्चे एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दोगे तो ये अपने आप बढ़ते रहेंगे, ठीक है? बस तुम्हें अपनी तरफ से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। हाँ बहुत आवाज़ आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? अरे नहीं ऐसा तो नहीं है, एक मिनट रुको, ऐसा क्यों हो गया? वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर वॉइस में दिक्कत आए तो मुझे बताना। एक मिनट रुकिए, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। आप देखो अब वॉइस कैसी आ रही है, अब बेटर आ रही है पहले से? अब बेटर आ रही है, क्या बात है, यहाँ पे बच्चों के आंसर भी आना शुरू हो गए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर वॉइस बेटर आ रही है तो मुझे बताना, ठीक है? देखो इस वाले क्वेश्चन में हुआ क्या है, ही हैज विजिटेड डोर आफ्टर डोर। देखो याद रखो, डोर आफ्टर डोर का मीनिंग अलग होगा, डोर फॉर डोर का मीनिंग अलग होगा, और डोर टू डोर का मीनिंग अलग होगा। इन तीनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होगा।
ठीक है, अब मैं तीनों का मीनिंग बताऊंगा। पहले मुझे ये बता दो, आवाज़ ठीक आ रही है? अब पहले से ठीक है या पहले ठीक थी? एक मिनट, कर रहा हूँ बेटा। चलो अभी मैं ने चेंज किया है, एक बार फिर से देखो और बताओ मुझे। हाँ अब देखो, अभी अभी अब वो 8 सेकंड बाद, अच्छा, एक मिनट रुको, मैं अपना सेशन खुद देखता हूँ तब मुझे समझ में आएगा। नाउ इट्स ओके, अगर ठीक आए तो एकदम बता देना, क्लियर है? अभी तो बच्चे बहुत सारे क्लियर बता रहे हैं। अच्छा जी, आप ठीक आ रही है बस? अच्छा एक बार बताना अगर खराब आती है अभी भी, तो वैसे मुझे लग रहा है आप ठीक आ रही है। अच्छा बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, आप बोल रहे हैं? अच्छा एक एक मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं फ़ैन ऑफ करके आता हूँ। अब तो ठीक आ रही है बिल्कुल, है ना? ये अभी भी खराब आ रही है, अब तो मुझे लग रहा है ठीक आ रही है सर। एक मिनट रुको, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ। अब तो मैं साउंड एकदम सही आई। फैन मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब एक बार जल्दी से बता दो कि अभी तो ठीक आ रही है ना साउंड? अब ठीक है?
अब बिल्कुल सही है। शैल वी स्टार्ट द सेशन? अब अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है? डोर टू डोर में, डोर आफ्टर डोर, और हाँ भाई, अब देखो जब मैं कहता हूँ ना डोर टू डोर, तो डोर आफ्टर डोर का मतलब है कि मान लो ये यहाँ पे 1 2 3 4 डोर बने हुए हैं, ए बी सी डी। देखो इन तीनों पे क्वेश्चन आता है, एसएससी सीजीएल से लेके सीपीओ तक, मेंस में भी इसके क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, इसलिए एक बार जरा ध्यान से सुन लो। ए बी सी डी चार डोर बने। डोर आफ्टर डोर का मतलब है कि एक के बाद दूसरा डोर, पहले ये वाला डोर, फिर ये वाला डोर, फिर ये वाला डोर, और फिर ये वाला डोर, इसी सीक्वेंस में जाएगा तब मतलब होगा डोर आफ्टर डोर, मतलब एक के बाद दूसरा डोर। अच्छा, डोर फॉर डोर का क्या मतलब है? कि मतलब है एक दरवाजे के लिए दूसरे दरवाजे पे विजिट किया, मतलब ए के लिए उसने बी पे विजिट किया, या बी के लिए उसने डी पे विजिट किया, या डी के लिए उसने सी पे विजिट किया, तो ये कैसे भी हो सकता है डोर फॉर डोर। ये बहुत ही रेयरली तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब होता है एक दरवाजे के बदले दूसरा दरवाजा, जैसे मनी फॉर मनी, लाइफ फॉर लाइफ, डोर फॉर डोर, ये वाला मतलब होगा। डोर टू डोर का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर टू डोर का मतलब है कभी इस दरवाजे पे तो कभी इस दरवाजे पे, कभी इस दरवाजे पे तो कभी इस दरवाजे पे, डोर टू डोर, एक दरवाजे से अगला दरवाजा। अब अगला जरूरी नहीं है इसी के बाद वाला होगा, इससे पहले वाला भी हो सकता है, समझ गए? और डोर आफ्टर डोर का मतलब है एक के बाद वाला जो दूसरा होगा सीक्वेंस में। तो भाई अगर कोई आदमी बेचने जाता है प्रोडक्ट, तो जरूरी थोड़ी है कि वो हर घर में बेचेगा, वो तो डोर टू डोर बेचेगा। डोर टू डोर का मतलब है कभी इस दरवाजे पे कभी उस दरवाजे पे। तो यहाँ पे आफ्टर को खोपचे में लेके काट दो और यहाँ पे टू कर लो। अब तुम सोचोगे सर ये क्वेश्चन तो प्रेपोजिशन का है। नहीं भाई, ये नाउन का क्वेश्चन है। ये नाउन का क्वेश्चन ऐसे है क्योंकि जब ये एग्जाम में आता है तो तुम्हारे पास डोर्स टू डोर्स लिखा हुआ आएगा। तो ये भी याद रखना कि अगर अगर कोई नाउन आया है, अगर सेम नाउन है, सेम नाउन है, और उसे ज्वाइन किया गया है वन प्रेपोजिशन से, अगर सेम नाउन है और उसे वन प्रेपोजिशन से ज्वाइन किया गया है, तो ये नाउन हमेशा और हमेशा कैसा होगा मेरा बच्चा? सिंगुलर होगा, डोर टू डोर नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। समझ आया? थम्सअप दे दो, डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, थोड़ा सा टाइम आज वेस्ट हो गया आवाज के चक्कर में, अब तो सब बढ़िया है। हाँ तो बात ये नहीं है सही क्या है, बात ये है कि तुमने सीखा या नहीं सीखा, है ना? अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे प्यार में, जल्दी से आंसर बताओ। बींग एक्स्ट्रावेगेंट, ही हैज लेफ्ट विद अ फ्यू वेल्थ एंड अ लिटिल मनी इन हिज अकाउंट, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा एसएससी सीपीओ मेंस। जल्दी से आंसर बताओ सर क्वेश्चन का, क्या बात है? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर नहीं आया। और सेशन को आगे तो बढ़ा दो यार, और देखो लाइक भी नहीं किया अभी तक तुमने, 77 बच्चों ने लाइक किया है और 110 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, तो एक बार लाइक भी कर दो यार। सेशन को आगे बढ़ाने में क्या जाता है, जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतने ज्यादा के बीच में तुम अपना स्कोर देख पाओगे। अच्छा भाई, तो यहाँ पे कोई कह रहा है आ लिटिल हेल्थ, कोई कह रहा है आ फ्यू मनी, आ फ्यू, चलो अब देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो बहुत खर्च करता है, खर्चीला, स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं इसे। तो बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट होने के कारण ना, या होते हुए, ठीक है, ही हैज लेफ्ट विद अ फ्यू वेल्थ। अब देखो वेल्थ क्या है, वेल्थ हमेशा कौन सा नाउन होता है? नॉन काउंट नाउन, ठीक है? और मजेदार बात यह है कि तुम्हें पता शायद हो कि मनी भी नॉन काउंट नाउन ही होता है। हम मनी कभी नहीं गिनते, हम रुपए गिनते हैं, हम डॉलर गिनते हैं, हम यूरो गिनते हैं, और ये सारी करेंसी होती है। तो मेरा बच्चा याद रखो, हमेशा जो काउंट नाउन होता है ना, काउंट नाउन वो होते हैं जिन्हें तुम काउंट कर सकते हो, जैसे करेंसी, तो तुम करेंसी को काउंट कर सकते हो, मनी और वेल्थ काउंट नहीं करते, मेजर करते हो हमेशा, या तो गोल्ड में मेजर करते हो या जीडीपी में मेजर करते हो, है ना? तो वेल्थ को मेजर करते हो। तो ये वाले कौन से नाउन होते हैं? ये वाले वो नाउन होते हैं जो
मेजरेबल होते हैं, जिन्हें आप मेजर करते हैं, तो इसलिए वो सारे नॉन काउंट में आते हैं भाई। जैसे लिक्विड्स हैं, तो लिक्विड को ही थोड़ी कहते हो हमारे मम्मी 5 पानी दे दो, अरे भाई साहब 15 दूध दे दो, ये थोड़ी बोलते हो 15 किलो, 15 लीटर, 15 पैकेट। तो हमेशा तुम उसके साथ एक यूनिट लगाते हो, है ना। तो इनके साथ इनकी खास बात होती है कि इनके साथ क्या होता है, इनका एक हमेशा यूनिट होता है। तो सारे लिक्विड इसमें आ जाते हैं, सारे मटेरियल नाउन भी इसमें आते हैं, जितने मटेरियल नाउन है सारा इसमें आता है, ठीक है। और इसके अलावा जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सारे के सारे नॉन काउंट होते हैं भाई। ऑनेस्टी गिनते थोड़ी हो भाई, मेरे पास 200 ईमानदारी है। डिटर्मिनेशन ये भी नाउन है। दृढ़ संकल्प, मैं कह दूं मेरे पास 5,000 दृढ़ संकल्प पड़ा है ले लो, तो ऐसा थोड़ी होता है, हम इसे मेजर नहीं कर सकते। और जो काउंट नाउन होते हैं उसे हम हमेशा मेजर कर सकते हैं, जैसे कि जितने प्रॉपर नाउन होते हैं वो सारे काउंट होते हैं, जितने कॉमन नाउन होते हैं वो सारे काउंट होते हैं, जितने ज़्यादातर हमारे पास ये कलेक्टिव होते हैं। अब कलेक्टिव का केस अलग है, तो सारे तो नहीं पर बहुत सारे कलेक्टिव नाउन भी काउंट होते हैं, जैसे टीम होता है टीम्स भी होता है, ठीक है, मिलिट्री होता है मिलिट्रीज भी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे नॉन काउंट नाउन के साथ हमेशा लिटिल का इस्तेमाल होता है, कम बताने के लिए लिटिल और ज्यादा बताने के लिए मच का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही काउंट नाउन के साथ कम बताने के लिए फ्यू या अ फ्यू और ज्यादा बताने के लिए मैनी का इस्तेमाल होता है। तो वेल्थ कौन सा नाउन था, नॉन काउंट, तो मेरा बच्चा अ फ्यू गलत हो गया ना, तो तुम्हें कहना पड़ेगा अ लिटिल, जैसे कि तुमने यहाँ पे मनी के साथ कहा अ लिटिल। समझ में आया, थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो, ठीक है। पूरे एक्सप्लेन कर दिया काउंट नाउन नॉन काउंट नाउन, इसके साथ क्या क्या यूज होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। समझ आया, थम्स अप, डाउट है तो पूछो बहुत तेज। हाँ क्या बात है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे प्यार में, जल्दी से आंसर बताओ। आफ्टर 5 ना मैं एक बार आपका स्कोर देखूंगा कि भाई स्कोर क्या चल रहा है 5 के बाद, ठीक है। चलो अब सेशन को तो आगे बढ़ाओ, देखो उस क्वेश्चन पे भी 110 पे ही थे हम, अभी भी 110 पे हैं। अगर जितना बच्चा नया जुड़ा है अगर तुम एक एक ग्रुप में भी शेयर कर दोगे ना भाई, तुम्हारे पास बहुत सारे एजुकेशन वाले ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दो, बहुत सारे तुम्हारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो तुम्हारे, अरे मेरी अंग्रेजी तो कोई भी पढ़ सकता है ना, तुम तो सब जगह शेयर करो, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करो, क्या दिक्कत है। सुधांशु पांडे क्या बात है तुम्हारी, जबरदस्त। और मुझे अभी उम्मीद है कि जो 10 क्वेश्चन है ना नाउंस के, इसके बाद नाउंस के 10 क्वेश्चन के बाद मेरे पास ईडीएम और फ्रेजेस भी हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तुम लोग 10/10 ले जाओगे इसमें। कह रहा था सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल कौन होता है, जो सिक्योरिटी का काम कराता है, सिक्योरिटी मतलब गार्ड समझ लो। द सिक्योरिटी पर्सन वॉजंट एबल टू फाइंड, वो क्या ढूंढ नहीं पाया, क्या नहीं फाइंड कर पाया, द वेपन, वो हथियार, ठीक है, फाइंड द वेपन इन एनी ऑफ द बैगेजेस, गलत हो गया। अभी जितने भी होते हैं ना याद रखना इसे, बैगेज लगेज, ठीक है, बैगेज लगेज, या फिर और तुम्हारा हो गया, इसमें बहुत सारे ऐसे नाउंस होते हैं जिनके साथ तुम एस और ई एस का इस्तेमाल कभी नहीं करते हो, जैसे एडवाइस, फर्नीचर, ये लिखते रहो भाई ये काम आएगा, ठीक है, पोइट्री, ठीक है, इन सब के साथ कभी भी एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन काउंट नाउन माने जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में नॉन काउंट नाउन होते हैं, इनको हम गिनते नहीं हैं, ठीक है, किताबों ने इन्हें अनकाउंटेबल भी लिखा है, ठीक है, पर मैं नॉन काउंट कहता हूँ और बहुत सारी किताबों ने नॉन काउंट भी कहा है, ठीक है। अच्छा, जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ ही, सिर्फ याद रखो सिर्फ काउंट नाउन के साथ ही आप एस और ई एस लगा सकते हो भाई, जैसे बॉयज है तो बॉयज के साथ तो लगा सकते हो ना, गर्ल्स है इनके साथ तो लगा सकते हो ना, बिल्डिंग है बिल्डिंग के साथ तो लगा सकते हो ना, पर जरा सोचो तुम कह सकते हो क्या, हीट्स, टेम्परेचर्स नहीं कह सकते ना, ऑनेस्टीज, ये कुछ नहीं होता ना, तो इनके साथ कभी एस आई एस नहीं लगता, इसीलिए बैगेज और लगेज के साथ भी नहीं लगता। तो बैगेज को खोपचे में लेके काट दो और लिख लो क्या, बैगेज,
तो बात ये नहीं है कि तुमने याद किया था कि बैगेज के साथ नहीं लगता, बात ये है आज तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये नॉन काउंट नाउन है। समझ आया? थम्स अप दीजिए और डाउट है तो पूछिए। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम बहुत तेज, बस सेशन को आगे बढ़ाओ, देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता। फिर 111 है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे प्यार में, आंसर बताओ। और देखो जो टिकेगा वो पाएगा, जो जाएगा वो जाएगा। आफ्टर 5 अभी स्कोर देखा जाएगा और पता चल जाएगा कौन है पिलपिला चीता और कौन है सच्चा चीता। चलो जल्दी से आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 4। जो जो लेट हुआ है एक बार पीछे से क्वेश्चंस देख लो जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। अरे भाई नीति मुझे इंजेक्शन क्यों दे रही है, मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दो। ठीक है मैं समझ लूँगा मुझे इंजेक्शन मिल गया। आजाद अंसारी जल्दी से आंसर बताओ, नीतू सुथर भी आ गई हैं, आंसर बताओ अगले क्वेश्चन का। क्या बात है यहाँ पे बच्चों का धपा धप धपा धप आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक है और यहाँ पे तो कुछ चीज़ों में मतभेद भी है, कुछ बोल रहे हैं वॉज आएगा, कुछ बोल रहे हैं नो एरर आएगा। तो सुन लो भाई आंसर होगा नो एरर। अब समझ लो कैसे, देखो ये आर्मी ये जितने भी है ना ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कौन से नाउन्स होते हैं मेरा बच्चा? कलेक्टिव नाउन्स। कौन कौन से? आर्मी, समझ लो, टीम, या फिर तुमने कहा कुछ भी समझ लो, ग्रुप, बंच, जो भी हमने बनाया है। मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, हमने उनको एक जगह कलेक्ट करके उनका एक नाम रख दिया। जैसे बहुत सारे सोल्जर्स थे इनकी आर्मी बना दी, बहुत सारे प्लेयर्स थे इनकी टीम बना दी, बहुत सारे मेंबर्स थे इनका ग्रुप बना दिया। ठीक है अब इनके साथ क्या होता है ना, कभी तो यूज होता है मेरा बच्चा प्लूरल वर्ब, और कभी इसके साथ यूज होता हो जाता है सिंगुलर वर्ब। अब अगर ये बात कर हो रही होती है मेंबर्स की, मेंबर्स की बात कैसे पता चलेगा कि सर मेंबर्स की बात हो रही है? ऐसे पता चलेगा कि यहां पे इंडिविजुअल एक्शन होगा। इंडिविजुअल एक्शन का क्या मतलब है? सब अपना अपना कर रहे होंगे इसीलिए तो मेंबर की बात हो रही है, अपना अपना कर रहे हैं। और टीम, ग्रुप या कलेक्टिव जब एक्शन होगा कैसा? कलेक्टिव, कलेक्टिव एक्शन होगा तो समझ लो कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। तो बस तुम्हें एक्शन देखना है। अब एक बात बताओ, अगर आर्मी सो रही है तो क्या मिलके सो रही है? हैं लोरी सुना रहे हैं दूसरे को? सोने में ये सोना इंडिविजुअल एक्शन होता है या फिर कलेक्टिव एक्शन होता है? भाई सो के मिलके तो नहीं सोते, मैं ये थोड़ी कहूँगा आओ हम दोनों मिलके सोते हैं। ठीक है उसका मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम पता नहीं क्या समझोगे, सर के क्या शौक हो गए, है ना? तो वो मतलब ही नहीं है, बस तुम्हें ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे वर्ब बिल्कुल सही है क्योंकि द आर्मी का मतलब है सोल्जर्स, आर्मी का मतलब यहाँ पे सोल्जर्स है। सोल्जर्स वर असलीप, असलीप का मतलब है सोए हुए थे जब उनके दुश्मन ने उन पर अटैक लॉन्च किया, जब उन पर अटैक हुआ। तो सेंटेंस में क्या आएगा मेरा बच्चा? नो एरर। समझ आया तो थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। जो टिकेगा वो पाएगा, जो जाएगा वो जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन इस पर फिर आएगा और फिर चेक कर सकते हो अपने आप को कि ये तुम समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। ठीक है यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप दे दो। ये लो अगला क्वेश्चन और आंसर बताओ। इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारा स्कोर भी चेक किया जाएगा, देखें जरा किस किस का सही हुआ है। आया मजा? हो गया ना गलत तुम्हारा, लगाए पड़े हो बॉस बॉस। चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ अगले क्वेश्चन का। हाँ ठीक है, जब सीखोगे तो पाओगे, बस लगे रहो। हर क्वेश्चन अलग है और हर क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट पे है। यार सोचो अगर तुम्हें 10-15 मिनट सेशन में रुक के पूरा नाउंस रिवाइज हो जाए तो नुकसान है क्या जीवन में? भाई मेरे पूरा नाउंस रिवाइज होगा और वो भी सारे मेन मेन क्वेश्चन रिवाइज होंगे, इसलिए छोड़ो मत इस सेशन को, ये मिलेगा ही नहीं तुम्हें। ठीक है क्वेश्चन 4 पे एक बार वापस आ जाएंगे लास्ट में। ठीक है नहीं तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, हमारे एक ऑफिशियल ग्रुप है जहाँ पे 24/7 हम ये सब करते हैं। अब देखो क्या है, द रिवर बेस्टोस, बेस्टोस का मतलब क्या होता है? मतलब किसी को ब्लेसिंग देना।
ठीक है, तो गिव अ ब्लेसिंग है ना, किसी पे कृपा करना। तो कह रहा है जो नदी है वो अपनी कृपा बरसाती है, किस पे, अपॉन द विलेज, सारे गांवों पे। कब, शी पासिस थ्रू, जिनके जिनके थ्रू वो पास होती है, जिनमें बहती हुई जाती है वो। तो देखो यहाँ पे रिवर को क्या किया है, परसोनिफाई किया है। अब ये परसोनिफाई क्या होता है, देखो हमारे पास ना नाउन के तीन जेंडर होते हैं, चार जेंडर। एक होता है हमारे पास ऐसा जेंडर जिसे हम कहते हैं मैस्कुलिन, एक होता है हमारे पास ऐसा जिसे हम कहते हैं फेमिनिन। ये ध्यान से सुनो, मैं पूरे नाउन के जेंडर समझा दूंगा। एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं कॉमन, एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं न्यूटर। इसे न्यूट्रल मत कह देना, बहुत सारे लोग न्यूट्रल कहते हैं, न्यूटर है, न्यूटर जेंडर। अच्छा, मैस्कुलिन जेंडर कि भाई अंग्रेज ने कहा वो चीज़ जिसका नाम सुनते ही पता चल जाए लड़का होगा, तो ये मैस्कुलिन है। जैसे बॉय, जैसे फादर। अब तुम ये तो नहीं कह सकते भाई पापा आ गई, है ना, पापा आ ही नहीं सकती, पापा तो हमेशा आएगा, तो ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। ऐसी फेमिनाइन जिनका नाम सुनते ही पता चल जाए अरे ये तो लड़की होगी, जैसे गर्ल, जैसे मदर। ठीक है, तुम्हारी मम्मी कितनी खतरनाक हो, जैसे मेरी मम्मी मेरे पापा से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, और हमेशा से थी। तो मैं कभी ये नहीं कहता अरे मम्मी आ गया, ठीक है, मम्मी आ गई ही बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फेमिनिन जेंडर है। कॉमन कौन सा होता है भाई, नाम से पता ही नहीं चलेगा लड़की है लड़का है। जैसे जैसे चाइल्ड, पता ही नहीं चलेगा। जैसे बेबी, पता ही नहीं चलेगा। जैसे टीचर, भाई लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जितने प्रोफेशन से सारे इसमें आ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे पास कॉमन जेंडर। तो हम इन सब के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं, इन सब के लिए शी का इस्तेमाल करते हैं, इन सब के लिए डिपेंड करता है, कभी ही तो कभी शी तो कभी इट का भी कर लेते हैं। अब तुम कहोगे इट कब करते हैं, मेरा बच्चा जब चाइल्ड की बात होती है, मेरा बच्चा जब बेबी की बात होती है। तो इन दो केसेस में हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इट का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रोनाउन इट यूज हो जाता है। और न्यूट्रल जेंडर में तो हमेशा इट ही होता है, क्योंकि इसमें आते हैं एनिमल्स और नॉन लिविंग और नेचुरल थिंग्स, जैसे नदी, पहाड़, ये सब इसमें आते हैं। पर जब हम इसे पोइट्री में यूज कर रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना तेरा फूलों सा तेरा चेहरा, तो भाई फूलों सा चेहरा तेरा क्या, तुझे गुलाब का फूल दिख रहा है, गेंदे जैसा बड़ा मुंह है इसका, ठीक है, ये तो मतलब नहीं है, बस तुम बताना चाह रहे हो बड़ा सुंदर है। तो इसी को हम कहते हैं परसोनिफाई। जैसे हम कहते हैं धरती मेरी माँ है, अगर धरती तेरी माँ है तो तेरे पापा की बीवी कौन है, ठीक है, ये आदमी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पोइटिक सेंस होता है, तो इसको राइटर्स यूज करते हैं, दुनिया ने एक्सेप्ट किया है तो हमें भी यूज करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं हम परसोनिफिकेशन, समझ रहे हो, इसे कि हम कहते हैं क्या, पोएट्री में पर्सोनिफिकेशन, पर्सन बना के किसी बेजान नेचुरल चीज को यूज करना, ठीक है। तो द रिवर बिस्टोस, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इट्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हर। तो ये बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे हर लगेगा, बड़ी बात यह है कि पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, जिंदगी में भूल नहीं सकते अब तुम, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे क्या केस है, पर्सोनिफिकेशन का केस है भाई, जैसे हम कहते हैं ना वक्त की मार पड़ी है इस पे, तो ये तो मतलब नहीं है घंटे में से कोई आदमी निकला तुम्हारे रैप्टे रैप्टे लगा दिए, ऐसा तो नहीं हुआ। वक्त की मार का क्या मतलब है, हमने वक्त को पर्सन की तरह यूज किया है कि भाई टाइम खराब है। समझ में आया, थम्स अप दो, आउट ऑफ 5 जल्दी से अपना स्कोर बताओ, और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, जल्दी से थम्स अप दो। हाँ अगला क्वेश्चन ये रहा, आगे तो बताओ यार, आगे बढ़ाओगे सेशन को तो मजा भी तो आएगा। हाँ 4 on 5 आए हैं, 3 on 5 आए हैं, 5 on 5 कौन ले आया, संगीत रॉय, क्या बात है, और निशाद के 5 on 5 है, बहुत सही। तो देखो मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा, एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगी, अंदर तक आ जाएगा समझ, बस सेशन को आगे बढ़ाना तुम्हारा कर्म है। इस हाथ दे उस ले ले, यही प्यार का है दस्तूर, और हमारा तुम्हारा प्यार क्या है, मैं तुम्हें ज्ञान देता रहूं, तुम मेरे सेशन को आगे बढ़ाते रहो, मैं अपने हिस्से का प्यार निभा रहा हूं, अब बात यह है कि तुम अपने हिस्से का प्यार निभाते हो या नहीं। चलो भाई, प्रेम कोहली जल्दी से आंसर बताओ, प्रेम कोहली आंसर बताओ। शुभम दास का आंसर आना शुरू हो गया, एकता ने भी आंसर दे दिया, अभी देखते हैं क्या ये आंसर सही है या नहीं। डू यू रियली लिव बाय द प्रिंसिपल्स। अब बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे होते हैं पर मीनिंग अलग हो जाता है, जैसे भाई पेन कुछ और होता है और पेंस कुछ और हो जाता है, ऐसे ही प्रिंसिपल कुछ और होता है और प्रिंसिपल कुछ
कुछ और हो जाता है। ऐसे ही जब हम कहते हैं, बहुत सारे होते हैं भाई, वुड कुछ और होता है, वुड्स कुछ और हो जाता है, तुम जानते हो बियर कुछ और है, समझ रहे हो, और बियर कुछ और भी है, तो ये सब अलग अलग होते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो इस पे क्वेश्चन आता है तो ये सबसे पहले बताऊंगा। स्पेन का मतलब होता है सफरिंग, पीड़ा, उत्पीड़न, ठीक है, सफरिंग। ये वाला पेन जो होता है इसका मतलब होता है संघर्ष, स्ट्रगल, तो दोनों अलग है। अब भाई एसएससी की तैयारी करने में तुम्हारे फेफड़े थोड़ी दुखेंगे, तुम्हें क्या होगा, पेंस होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसी ये प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है मेन, ये जो तुम्हारा स्कूल में प्रिंसिपल होता था, मेन आदमी वो था, इसीलिए उसे प्रिंसिपल बोलते थे, ठीक है, मेन, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल मेन। अच्छा, ये वाला जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है सिद्धांत, टेनेट, सिद्धांत, ठीक है। वुड सब जानते हैं, लकड़ी, वुड, टिम्बर भी बोलते हैं इसे, वुड और वुड्स, लड़की, लड़की कहाँ गई भाई, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, निकल जाता है, निकल जाता है, हो जाता है, स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है। अच्छा, बियर तुम जानते ही हो, है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक होती है बियर, और बी ई ए आर क्या होता है, बियर, भाई बियर क्या होता है, बियर होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट, ठीक है। तो यहां पे ये वाला प्रिंसिपल नहीं आएगा, ये आएगा प्रिंसिपल्स, क्या मतलब हुआ, डू यू रियली लिव, क्या तुम सच में उन सिद्धांतों के अनुसार जीते हो जिनको तुम पढ़ाते हो, जिनके बारे में तुम बताते हो, जिनको इम्पोज करते हो। प्रोफेस का मतलब क्या होता है, प्रोफेस का मतलब होता है टीच, कैसे याद रखो कि प्रोफेसर क्या करता है, पढ़ाता है, तो प्रोफेस मतलब टीच, समझ आया थम सब, अगला क्वेश्चन पे जाएंगे, थम्स अप देते रहा करो ताकि मुझे पता चलता है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे प्यारे, जल्दी जल्दी चलेंगे, क्वेश्चन बचे हैं थोड़े से और टाइम बचा है थोड़ा सा, क्वेश्चन बचे हैं ज्यादा, थोड़े से जल्दी जल्दी चलेंगे, बस सेशन को आगे बढ़ाओ भाई जल्दी से, अब मजा नहीं आ रहा यार, 127-130 बच्चे, मैं 150 तो पार करा दे मेरे बच्चे आज। हाँ, वाटर वाटर होता है, ड्रग ड्रग्स होता है, हाँ, पैंट पैंट्स, ये सब मैंने पेड बैच में पढ़ा है, बहुत बढ़िया। और किसी को अगर ना ये सेशन डिटेल में देखना है और कितने वर्ड से देखना है, तो ये क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, जो मेरा क्रैश कोर्स है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, यहाँ पे नीति कलोट, यामिनी, सुप्रिया, सबको समझ आ गया, सुधांशु को भी समझ आ गया, साखिल, हाँ अभी से सेवेंथ में साखिल बता रहा है भाई, नो एरर, बाकी लोगों का देखना है क्या कहते हैं, लेट्स सी भाई। प्राइस कम नहीं होगा, आई कैन नॉट से अबाउट प्राइस, प्राइस पे कम नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ सुपर 100 बैच सीट्स फिल जरूर हो जाएंगी उसमें। चलो अब यहाँ पे क्या कहा है, अ मिसोजिनिस्ट यूजुअली हेट्स ऑल मदर्स इन लॉ, लेडीज एंड हाउसमेट्स, कह रहा है कि जितने भी मिसोजिनिस्ट हैं, ठीक है, जितने भी मिसोजिनिस्ट हैं, मिसोजिनिस्ट कौन होते हैं, हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करते हैं उसे हम मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो औरतों से नफरत करते हैं उसे मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे मदर्स इन लॉ बिल्कुल सही है, जब भी ना हम लिखते हैं, मतलब मदर्स इन लॉ का मतलब है सास, सारी सासों से नफरत करता है, सारी औरतों से नफरत करता है, और जितनी हाउसमेट्स हैं, जो घर में नौकरानियाँ हैं, उनसे भी नफरत करता है, क्योंकि वो मिसोजिनिस्ट है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना तुम्हारे पास, ऐसे आता है मदर इन लॉस, तो बच्चा ना ये नहीं सोचता कि यहाँ पे एरर है, ठीक है, जबकि ये पूरा श्योर शॉर्ट एरर है, यहाँ पे लॉ में नहीं लगाओगे, मदर इन लॉ का मतलब है सास, तो जब भी मदर इन लॉ है, याद रखो, जब भी तुम्हें ऐसे आ जाए फादर इन लॉ या फिर सन इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ, और तुम्हें इनका प्लूरल बनाना हो, तो प्लूरल बनाने के लिए मेरा बच्चा यहाँ पे एस मत लगाना, ये लॉ के बाद एस लगाओगे ये गलत है, कहाँ लगाओगे, यहाँ पे फादर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, मतलब ससुरे, बहुत सारे ससुरे, साले और सालियाँ, तो हमेशा सिस्टर्स, सन्स और फादर्स इनके साथ लगाओगे, इसलिए मदर्स इन लॉ सही है, और सेंटेंस में है नो एरर। समझ में आया, थम्स अप दे दो, आसान क्वेश्चन था, आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी ईडीएम फ्रेजेस भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरा बच्चा ईडीएम्स भी जरूरी है ना, हर साल पूछे जाते हैं, ईडीएम फ्रेजेस भी इंतजार कर रहे हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लाया हूँ,
तो ये दोनों माल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। 10 के बाद स्कोर देखेंगे बच्चे। हाँ हाँ मस्त कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हमेशा याद रहेगा, नहीं अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी की बात ही नहीं हुई है। हाँ जी वाई एन जहां भी आता है वुमेन होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं सुधांशु पांडे। श्रीकांत मंडल को भी समझ में आ गया, बस देखो अब सेशन को थोड़ा आगे और बढ़ाना है हमें, 150 तक तो आज पता नहीं है, है ना, 15 बच्चे और बढ़ाने भाई, और मुझे पता है 134 बच्चा चाहे तो 15 बच्चे तो ऐसे बढ़ा देगा ऐसे, जल्दी से यार इतना तो कर डालो, अपने हिस्से का प्यार निभा दो। द कैप ऑफ बॉटल, द कैप ऑफ बॉटल बोल रहे हैं, अच्छा बच्चे चलो देखते हैं। देखो भाई अब ये जो एपोस्ट्रॉफी एस होता है ना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है, इस काम की बात को सुनने के बाद सेशन शेयर करना, अभी मत करो, पहले काम की बात सुन लो। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये जो बॉटल्स कैप है हमारे पास होता है एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हम करते हैं हिंदी का जो का और की होता है ना, मतलब पोजेशन बताने के लिए, जैसे बोतल का ढक्कन, जैसे मैं कहूँ लायंस डेन शेर की मांद, या मैं कहूँ पीपल्स चॉइस लोगों की पसंद, ठीक है, या मैं कहूँ टाइगर्स रोर बात की दहाड़, ठीक है, तो ये सब क्या है, का की बता रहे, का की पोजेशन बता रहे, अधिकार बता रहे भाई, डेन पे चॉइस पे रोर पे अधिकार किसका है ये बता रहे। अच्छा ये सिर्फ किसके साथ यूज होता है, ओनली विद लिविंग बींग्स, ओनली विद लिविंग बींग्स। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, 3-4 एक्सेप्शन है कि कहाँ कहाँ ये लिविंग के साथ भी यूज हो सकता है, वो आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा, और साथ ही साथ वो क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में मैंने दिया है, ठीक है, तो वो जरूर देख लेना, क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में दिया है कि कब कब इसके एक्सेप्शन है, कब कब लिविंग के साथ यूज होगा। अब दूसरी और मजेदार बात यह है कि ये जब भी तुम बात करते हो नॉन लिविंग की, तो मेरा बच्चा नॉन लिविंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी यूज मत करना, अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं होगा, ठीक है, तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, यूज प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं का या की बताने के लिए, है ना, पोजेशन बताने के लिए। तो बॉटल्स कैप गलत हो गया, तो हम क्या कह देंगे इसे, आसान, द कैप ऑफ द बॉटल, ठीक है, द कैप ऑफ द बॉटल, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, बॉटल्स कैप में लिखेंगे। ये क्वेश्चन CHSL में तो खूब भर भर के आता है, और स्टेनो में इसके आने के तगड़े चांसेस हैं, ठीक है भाई, समझ आया, थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन, आंसर बताओ जल्दी से, नो एपोस्ट्रॉफी विद नॉन लिविंग बींग्स, बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है, तो जितना देर तुम सेशन में टिकोगे उतना ज्यादा सीखोगे बच्चा, हाँ, और आगे बढ़ाते रहो बस सेशन को, सबसे इंपॉर्टेंट है सेशन को आगे बढ़ाना। पीपल से दैट द अन्ना हजारे इज द गांधी ऑफ दिस एज, पीपल से दैट द अन्ना हजारे इज द गांधी ऑफ दिस एज, जल्दी से आंसर बताओ, कौन बताएगा, हैड टू बता रहे हैं, हैड टू बच्चे, देखो भाई यहाँ पे पीपल से बिल्कुल सही है, कहते हैं दैट दी अन्ना हजारे दा गलत हो गया, क्योंकि याद रखो किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ आप दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो चाहे कितना बड़ा भिखारी हो। अब यहाँ पे अन्ना हजारे तुम सब जानते हो प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो दा नहीं लगाओगे, इस दा को काट दो क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब तुम कहोगे गांधी के साथ तो लगा है, यहाँ पे गांधी जो है सिर्फ नाउन नहीं है, है ना, यहाँ पे अन्ना हजारे इज द गांधी ऑफ दिस एज, तो यहाँ पे गांधी क्या है, कॉमन नाउन बन गया है। कॉमन नाउन का क्या मतलब है, यहाँ पे किसी की क्वालिटी बता रहे, इज द गांधी मतलब द मैन हु फॉट फॉर पीपल,
द मैन कौन हो गया, कॉमन नाउन हो गया भैया, वो कोई आदमी जो लोगों के लिए लड़ता हो, ऐसा आदमी लीडर कह सकते हो, अवाम का लीडर, लोगों का लीडर। सो लोग कहते हैं कि जो अन्ना हजारे है इज द गांधी ऑफ दिस एज। तो ये वाला दा तो बिल्कुल सही है, ये तुम्हें आर्टिकल में गहराई से समझ में आएगा कि ये वाला कैसे सही है। फिलहाल यहाँ से दा काट दो, समझ में आ गया, जल्दी से थम्सअप दे दो। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर बताओ, जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है। दा गांधी बिल्कुल सही है, दा गांधी बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। जिसने दा गांधी के सामने से, जिसने गांधी के सामने से दा हटा दिया उसका क्वेश्चन गलत हो गया, याद रखो। वो अपने आप को नंबर में देने की चेष्टा नहीं करे। हाँ भाई, हाँ चलो, अब देखो अगर तुम चाहते हो ना यार ऐसी सेशन आते रहे तो सेशन को बढ़ाना तो पड़ेगा ना आगे, तुमने तो और नीचे गिरा दिया। अब शुभम दास, सुधांशु पांडे, एकता राजपूत, साखिल, ठीक है, ये संगीत, सौरभ, सुप्रिया, अगर विवेक भारद्वाज, ये लोग अगर एक 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 में सेशन में भी शेयर कर देंगे ना तो भी ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। चलो अच्छा, संगीत राय इसमें बता रहे हैं नो एरर है, यही तो बात है, कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, देखता है, देखते हैं आंसर क्या होगा। और मैं देख पा रहा हूँ चीतों में तगड़ा मतभेद है, कोई एक एक चीतों की जमात कह रही है कि हैज आएगा, एक चीतों की जमात कह रही है नो एरर आएगा। लेट्स सी कौन सा प्राइड ऑफ चीतास ठीक है। तो कह रहे हैं द टीम हैव ईटन द लंच। अब एक बात बताओ, लंच करना कौन सा एक्शन है, बस इतना बता दो मुझे, ये कलेक्टिव एक्शन है, बस इतना बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुमने आंसर बता दिया, ये कलेक्टिव एक्शन है या फिर ये इंडिविजुअल एक्शन है। भाई तुम मेरे बदले का तो लंच नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे हिस्से का लंच नहीं कर सकता, तो लंच करना एक इंडिविजुअल एक्शन है, और इंडिविजुअल एक्शन जब कलेक्टिव नाउन के साथ यूज होता है तो यूज होती है प्लूरल वर्ब, और इसीलिए ये हैव बिल्कुल सही है। सो द टीम हैव टेकन द लंच, इसमें कोई एरर नहीं है, क्या है, नो एरर। जिस जिसने लगाया है नो एरर, भाई साहब वो है सच्चा चीता। आउट ऑफ 10 एक बार स्कोर बताओ, और उसके बाद सीधे चलते हैं ईडियम और फ्रेसेस जो हमारा इंतजार कर रहा है। क्या बात है, सीखा या नहीं सीखा, गलत हो गया हैस वालो, मेरा बच्चा सबका गलत हो गया। हाँ यहाँ पे दाल लंच पे डाउट हो सकता था, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक लंच, इसलिए वो यूज किया जा सकता। हाँ जी बहुत बढ़िया, टेन ऑन टेन आए हैं, अरे क्या बात है, संगीत रॉय जबरदस्त, नाइन आए हैं केसरी लाल के, देखो नाइन टेन वाले बहुत बढ़िया है। चलो अब सीधे जल्दी से आगे चलते हैं, ईडीएम फ्रेजेस आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से मुझे बताइए ईडीएम एंड फ्रेजेस में ग्रीन हॉर्न का क्या मतलब होता है, कौन होता है ग्रीन हॉर्न, सोच समझ के बताना। और मैं तुम्हें बताऊँ, ये इसी साल CHSL में पूछा गया है, जब मैंने एनालाइजर्स लिए थे एनालाइजर में मैंने बताया था ये पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रीन हॉर्न, जल्दी से बताओ। जितना बच्चा नया जुड़ा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और ग्रुप में आ जाओ जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है अड्डा 24/7 वाला, ठीक है। यहाँ पे अनन्या राजपूत तुम्हें, अनन्या पांडे तुम्हें जोड़ लेगी ग्रुप के अंदर, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, सुप्रिया भी है और बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम्हें ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। चलो जल्दी से आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का, देखो क्या कह रहा है, यू कैन नॉट रिलाई अपॉन अ ग्रीन हॉर्न लाइक जेम्स। ग्रीन हॉर्न कौन होता है, नौसिखिया, नौसिखिया मतलब एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, नोटोरियस फ्रॉड, ये सारे के सारे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। कैसे याद रखोगे, ग्रीन हॉर्न, हॉर्न क्या होता है, सींगों को हॉर्न बोलते हैं, सींग तो हरे सींग मतलब कच्चे सींग कहते ना, अभी तो ये हरा है कच्चा है, ऐसे याद रखना, तो कच्चा है मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, याद हो गया, जल्दी से थम्स अप दो। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ जल्दी से भाई, ग्रुप का नाम हिमांशु को बता दो, हिमांशु एग्जीक्यूटर परेशान हो रहा है, ग्रुप का नाम बता दो, अनन्या पांडे एक बार ग्रुप में जोड़ लो, इतने सारे बच्चे हैं एक बार कोई ग्रुप के बारे में बता दो, सृष्टि भी बता देगी, साखिल भी बता देगा ग्रुप के बारे में, वर्षा राजपूत तो बताती रहती है ग्रुप के बारे में, और ये आ गया मेरा एक और बच्चा आशु कौशिक, ये भी आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे, ठीक है। देखो हाँ, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है 24/7, आपको इसमें क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है, इसमें जुड़ जाओ हिमांशु। देखो क्या कह रहे हैं, व्हेन दे कॉल्ड आउट हिज नेम एज द विनर
ऑफ द विनर, एस ये दो दो बार लिख दिया भाई पीपीटी बनाने वाले ने, एज दे कॉल्ड आउट हिज नेम, कह रहा है दे कॉल्ड आउट हिज नेम एज द विनर ऑफ द ग्रैंड प्राइज हिज जॉ ड्रॉप्ड। जॉ ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, आदमी हैरान हो गया, एस्टोनिश्ड, है ना, जैसे मुंह खुल जाता तुम्हारा, जैसे तुम्हें मान लो तुम्हें पता चला कि तुम्हारा एसएससी सीजीएल निकल गया, ठीक है, और निकल ही नहीं गया, तुम्हें पोस्ट मिली है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर समझते हो, सबसे बड़ी पोस्ट होती है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, तुम्हें सेंट्रल एक्साइज मिलती है, ई एक्ससी आई एस सी होता है, तो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, अब तुम्हारा मुंह पता है कैसे हो जाएगा, तो अगर तुम्हारी शक्ल पे ये वाला एक्सप्रेशन आता है, जॉ क्या होता है, जबड़ा, जबड़ा लटक गया, मैं, तो इसे बोलते हैं ही वाज एस्टोनिश्ड, उम्मीद है याद भी हो गया होगा। तो देखो टीचर वही है जो याद करा के जाए, आज के बाद तुम भूलोगे नहीं। ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना, कितना कैच ड्रॉप हो गया, ऐसी मुंह खुल गया, ड्रॉप हो गया, समझ में आया, थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो, है ना, हैरान हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर बताओ, 13th का आंसर बताओ, देखो याद भी हो गया, मेन बात तो ये ना कि तुम्हें याद हुआ, हाँ रविंद्र को भी याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए बहुत तेज। जी हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत सारों को गलत हुआ। हाँ जी सुबह सुभांशु का भी। अब देखो दो क्वेश्चन और बचे हैं, 15 के बाद फाइनल स्कोर आएगा और फाइनल स्कोर में पता चलेगा कौन सा ऐसा सच्चा चीता है जिसकी ईडियम फ्रेजेस भी अच्छे हैं, वोकैबुलरी भी अच्छी है और ग्रामर भी अच्छी है, क्योंकि 10 तक तो तुम ग्रामर से खींच लोगे, आगे का तो वोकैब लेकर जाएगी ना। आंसर बताओ बहुत तेज, देखो क्या कह रहा है, अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का क्या मतलब है, के खोपचे में बनाई हुई, कोने में, होल क्या होता है छेद में, खोपचे में, कॉर्नर क्या होता है खोपचा, अकेले में बनाई हुई पॉलिसी डेमोक्रेसी में नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप अमित शाह मोदी जी या कोई भी जो भी पॉलिटिकल लीडर होगा पॉलिसी बना के चुपचाप कर देगा, जनता को बताना पड़ेगा, डेमोक्रेसी है तो सीक्रेट होगा इसका मतलब, सीक्रेट, है ना। होल एंड कॉर्नर कैसे याद रखोगे, खोपचे में बनाई हुई, कोने में बनाई हुई, छेद में रखी हुई पॉलिसी, है ना, सीक्रेट, ठीक है, समझ आया, थम्स अप दे दो, डाउट है तो पूछो। करप्टेड से कोई मतलब नहीं है, फ्रेल का मतलब होता है वीक, फ्रेल का मतलब होता है वीक, और डिग्रेडेड का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड इन क्लास एंड क्वालिटी, कोई चीज खराब हो गई है अपनी क्वालिटी में, क्लास में, तो उसे डिग्रेड बोलते हैं। समझ आया, थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर बताओ। हाँ भाई, एफ्लुएंट क्या होता है, सिनोनिम आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म, सिनोनिम। अब ये भी देखना है वोकैब कैसी है तुम्हारी, आंसर बताओ भाई जल्दी से। अभी पेड बैचेस के बारे में, ये 15 क्वेश्चन के बाद जिन बच्चों को पेड बैचेस के बारे में पता करना हो वो पेड बैचेस के बारे में जान सकते हैं, जिनको नहीं पता करना हो तो वो जा सकते हैं, बट हाँ 15 क्वेश्चन तक सभी को रुकना है, अपना स्कोर देखना है यार, और ये देखना है हर क्वेश्चन नया है, हर क्वेश्चन पे तुम सीख रहे हो, तो क्या वजह है चले जाने की। प्रॉस्परस बता रहे हैं बच्चे, देखो भाई एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, एफ्लुएंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत रिच है, ठीक है, बहुत रिच है, वेल्दी है, ठीक है, तो रिच वेल्दी कौन होते हैं, कामयाब, प्रॉस्परस, ठीक है। फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, फ्लुएंट का मतलब होता है विदाउट हेसिटेशन, कहते हैं ना फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है वो एकदम सर्राटेदार। तो ये ट्रिब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहां से कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे गंगा की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स है, ठीक है, जहां वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो समथिंग दैट डिस्ट्रीब्यूट्स, जो कुछ बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट्स, काइंड तो आपको पता ही है भाई, दयालु होता है। समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप दो, देखो एक एक वर्ड का मीनिंग बताया है। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे पास 15th, आंसर बताओ, और आउट ऑफ 15 इसके फौरन बाद मुझे स्कोर बता देना,
ठीक है, तुम्हारा स्कोर जान लो 15 के बाद, उसके बाद फिर मैं तुम्हें पेड बैचेस के बारे में बता दूंगा और सेशन को आगे बढ़ा दो। यार कितना कहलवाओगे भाई साहब, 150 ना पचा पाए आज तुम, लाइक लेकिन तुमने पचा दिए, इसके लिए तुम सबको पप्पियाँ मेरी तरफ से 144 लाइक्स के लिए। हाँ डिस्ट्रीब्यूटरी भी होती है, ट्रीब्यूटरी भी होती है। क्या बात है, यहाँ पे आंसर सी आ रहा है बच्चों का। डिफिडेंट का मतलब होता है शाय, शर्मीला, तो एक ही वर्ड है टिमिड, तो टिमिड ये सारे शाय होते हैं। दिस कर्टियस का मतलब होता है जो बदतमीज हो, इनडिसेंट, तमीज नहीं है भाई बात करने की। जेंटल का मतलब होता है सॉफ्ट, बड़े प्यार से बात कर, तुम देख हाँ ये लड़कियां ऐसे बोलती हैं, चाहे घर में चिल्ला चिल्ला के बोलेगी आ मम्मी खाना दे दा, ठीक है तुम्हारे तुमसे बोली हाय, तो ये होता है जेंटल, तुम्हारे साथ जेंटल और मम्मी के साथ डिसकर्टियस, ऐसे याद रखना तुम, अब भूलोगे नहीं कभी तुम ये, ठीक है। चारों वर्ड के तुम्हें मीनिंग बता दिया, समझ में आ गया हो तो थम्स अप दे दो, डाउट है तो पूछो, एक बार फटाफट अपना स्कोर बताओ आउट ऑफ 15, तुम बताओ मुझे अपना स्कोर आउट ऑफ 15 और मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने सारे पेड बैचेस के बारे में। तो देखो भाई ये अभी पेड बैच आ रहा है कब से, 2 नवंबर से, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बैच है, इसके अंदर CGL, CHSL, CPO और स्टेनोग्राफर को ध्यान में रखते हुए ये फाउंडेशन बैच बनाया है। इसकी सबसे बढ़िया बात है कि टेस्ट सीरीज के साथ मिल रहा है, मतलब पढ़ो भी और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसमें, तुम्हारी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट देते रहोगे ना। इसका टाइमिंग 10 से 5 बजे के बीच में क्लासेस होंगी, मैं ही इसमें तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, बाकी ये पूरी टीम तुम्हारे साथ है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर तुम्हें मेरा इंडिविजुअल बैच लेना है तो भाई मेरा ये इंडिविजुअल बैच है, ये जो इंडिविजुअल बैच है, ये जो इंडिविजुअल बैच है मेरा, हाँ ये सिर्फ में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 के बाद इसमें किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, नो एडमिशन आफ्टर 100। अच्छा इसका नाम है प्रैक्टिस 3.0 के, 3.0 ये 3.0 क्यों है, क्योंकि इससे पहले 2 सक्सेसफुल बैचेस निकल चुके हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं जैसे आपने बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आपने नाउन भी पढ़ लिए, आपको आता सब है, क्वेश्चन तब भी गलत हो रहा है, आता है और तब भी गलत हो रहा है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो भाई प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये इसमें मैं तुम्हें लगभग 2500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में कराऊंगा मॉक टेस्ट, ठीक है, कितने मॉक टेस्ट, 8 मॉक टेस्ट होंगे और सारी प्रैक्टिस उसमें टॉपिक वाइज होगी, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक, तो एक एक तुम मान के चलो मिनिमम क्वेश्चन अगर किसी चीज़ के मैं करा रहा हूँ ना तो 70 हैं, 70 क्वेश्चन एक टॉपिक के, और जो बड़े टॉपिक है टेंसेस हुए, प्रेपोजिशंस के 200 क्वेश्चन, ठीक है, टेंसेस के 150 क्वेश्चन, और बहुत पेल के तुम्हें 2-3 दिन पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये एक ऐसा समझ लो ये बैच है, तो जिसको चाहिए हो भाई ले लेना। अच्छा अगर किसी को वोकैबलरी पढ़नी है और वो कह रहा है सर मेरी तो वोकैब वीक है, तो वोकैब के लिए भी बहुत बढ़िया बैच है मेरा, ठीक है, adda247.com पे जाके टाइप कर देना कंप्लीट वोकैबलरी बैच, खाली वोकैबलरी डालोगे ना तो भी मेरा बैच मिल जाएगा, वो बहुत सस्ता है, 400-500 का है, वो ज़रूर ले लो, ठीक है, वो तो एक ऐसा बैच है कि तुम्हारे नंबर हमेशा वोकैब में है, वो कुछ बने ना बने पेपर में वोकैब तुम बना के आओगे, ऐसा बैच है वो, ठीक है। चलो अभी के लिए भाई अलविदा, अभी मैं देख रहा हूँ स्कोर संगीत रॉय का आया 14 15 20, अरे आज़ाद अंसारी 20 तो क्वेश्चन भी नहीं थे मेरे भाई, ठीक है, 14 साखिल, एक गलत हुआ, संगीत रॉय का भी एक गलत हुआ, 15 on 15 नवीन, क्या बात है, ठीक है। अच्छा रूही के 14 आए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, श्री पूर्णा के बहुत बढ़िया, तो स्कोर तुम्हारे अच्छे आए, कल हम एक बार फिर मिलते हैं तुमसे, लव यू ऑल, टेक केयर, 3 बजे मिलते हैं, बाय बाय।